मॉम की बहुत बुरी कंडीशन है, इसीलिए मैं जब बिग बॉस से बाहर निकली तो मैं एकदम मैं हिल गई, यू नो। अभी मम्मी धीरे धीरे ठीक हो रही है, 6-3 हो गया है कीमोथेरेपी, अभी 3 और बाकी है मॉम का, और उसके बाद मम्मी की सर्जरी होगी। नहीं, वो मिस्टर इंडिया ही है, अभी यूरोप में है रितेश जी, और मेरी मॉम की इच्छा है, अभी कीमोथेरेपी है, मॉम मेरी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बच्चे जैसी हो गई है, अभी मॉम की इच्छा है कि मैं ट्रॉफी जीतूं बिग बॉस की। अभी उन्होंने कहा है कि बिग बॉस 15 में आप और रितेश जाओ डे 1 से, जिस तरह बिग बॉस से सलमान जी ने रुबीना और अभिनव की लाइफ बनाई है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है, क्या बता आपका टूटा हुआ रिश्ता बिग बॉस और सलमान जी जोड़ दें। मैंने कहा अगर देश की जनता चाहेगी मैं और रितेश ज़रूर जाएंगे, अगर देश की जनता का वोट होगा हमारे लिए तो बिग बॉस में हम ज़रूर जाएंगे, शायद हम पति पत्नी बन के बाहर निकले, शायद हमारा रिश्ता बन के बाहर निकले, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। अभी तो मैं तो सिर्फ रितेश को, शादी मेरी हो गई है उनसे, एक ही दिन मिली हूँ और वो इंडिया आ नहीं रहे, बट अगर बिग बॉस का उनको ऑफर आया तो वो ज़रूर आएंगे, उन्होंने कहा है। नहीं, अभी तक रुबीना, आई लव रुबीना, आई कॉन्ग्रेचुलेट के शी डिजर्व विनिंग एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक लेडी, आई लाइक हर, और मुझे तो डे 1 से ही पता था कि रुबीना जीतेगी, मैं आते ही बोल रही थी रुबीना और लास्ट फाइनलिस्ट तो अंदर बोल रही थी, डायरेक्ट सबको बोल रही थी यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू आर द विनर, एंड कुछ चीज़ें होती हैं, सिक्स सेंस मुझे हैं, एंड मुझे रुबीना का आज ही मैसेज आया है, आई थिंक शी इज़ बिजी विद द शूट और बाहर गई थी, बिकॉज एक बार आप बिग बॉस हाउस से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, आप सिर्फ यही सोचते कि पहले मैं छुट्टियाँ मनाऊँ, क्योंकि अंदर हम लोग एकदम बंद कमरे में रहे हैं, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो, मुझे भी मौका नहीं मिला, मैं तो डायरेक्ट मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, यू नो, कीमोथेरेपी के लिए, बट रुबीना ने आज मैसेज आया कि शी इज़ गोइंग टू मीट माई मॉम, एंड हाँ वो भी एक अच्छी पार्टी थ्रो करने वाली है, मैसेज है मेरे पास रुबीना का, एंड शी लव माई मॉम एंड मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट किया है। देखिए हमारे बीच में जो भी छोटा मोटा झगड़ा अंदर रहा वो एक हाउस है, अरे मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब इतना समय एक हाउस में अंदर रहेंगे, वो 5 महीने रही, मैं 2.5 महीने रही, किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है, और थोड़े बहुत तो झगड़े होते ही हैं, अगर झगड़े नहीं होंगे तो आप लोग ये सोचोगे क्या स्क्रिप्टेड है क्या, झगड़े क्यों नहीं हो रहे, और झगड़े हो रहे तो आप लोग बोलेंगे अरे झगड़े क्यों हो रहे, तो हर चीज़ में हमारा कत्ल ही है भाई। बहुत डांट का असर पड़ा है, मैं अंदर भी सुधर गई थी और यहाँ पे भी ऐसे कोई शब्द नहीं बोलूँगी, मैंने उनसे वादा किया, उन्होंने वादा किया, राखी तुम बाहर भी कोई शब्द ऐसे नहीं बोलोगी, सलमान जी मेरा वादा है मैं बाहर भी ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं करूँगी, मैं सुधर गई हूँ, पता नहीं कितने दिन तक सुधरते रहूँगी, बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। मम्मी को कीमोथेरेपी हो रहा है एवरी वीक, 3 कीमोथेरेपी हो चुका है, अभी 3 और होगा, अगले हफ्ते होगा, हर हफ्ते लेके जाना पड़ता है मॉम को, और कीमोथेरेपी चल रहा है। सलमान जी का और शेरा भाई का, नदीम भाई का, डॉक्टर चोपड़ा का, सोहिल भाई का, सबको बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। देखिए ये सब लेजेंड लोग हैं, वो एक हाथ से बिंग ह्यूमन भला काम करता है, दूसरे को हाथ को पता नहीं चलता है, वही इंसानियत है, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। नंबर 1 बिग बॉस सलमान खान के बगैर अधूरा है। सलमान खान जी आप रॉक स्टार हो और आपकी वजह से बिग बॉस चल रहा है, और आपके जैसा कोई भी नहीं है, दिल नंबर 1, इंसान नंबर 1, यू आर माय गॉड ब्रदर सलमान जी, यू आर द बेस्ट, आपकी वजह से मुझे दुनिया में कोई सुधार नहीं सका, कोई नहीं, सिर्फ आपने मुझे सुधार दिया सलमान जी।